Ago. चिकन के बाद बॉयल की हुई मैक्रोनी डाली है। बाहर धूप निकल चुकी है इसलिए छत पे चलते हैं क्योंकि घर में सर्दी लग रही है। किचन में पहले घुसते हैं क्या बनाया जा रहा है। मोहसिन खड़ा हुआ है। सही है। तो आज कुछ स्पेशल क्या बन रहा है? स्पेशल बन रहा है ये चावल। अच्छा, डॉक्टर ने मुझे चीनी रोकी है और तकरीबन आज चौथा दिन है मैं चीनी से अवॉइड कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार चीनी और चीज़ होती है, गुड़ और चीज़ होता है। मोहसिन भाई गुड़ लेके आया, कहते गुड़ वाले चावल ही खाते हैं। फिलहाल तो भाई ऊपर चलते हैं। नहीं, नमकीन में भी है कुछ? नमकीन में भी है, वो बाद में देखते हैं। ये बनाना है अभी हमने। आज कुकिंग हम करेंगे मोहसिन भाई और मैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेबा शहजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से तबीयत तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन रात को थोड़ा सा फीवर हो गया था और गला भी अभी साथ नहीं दे रहा, मगर प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं। रात को भी मैं चेकअप करवा के आया हूँ तो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले से काफ़ी बेहतर हैं। मैं महसूस भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी चूंकि एक दो दिन मज़ीद हर रोज़ जो है वो चेकअप करवाना है तो मैं मुल्तान में ही हूँ। बाकी प्लान तो कर रहा था वापस जाने का। धूप का मज़ा लेते हैं और आजकल धूप कुछ ऐसी है कि 5 मिनट धूप में बैठे फिर वापस आए। मैं मुल्तान में उड़ती हुई चीलें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, इनकी परवाज देख के मेरा भी उड़ने को दिल करते हैं। हेलो गाइस, यहाँ पर बकरे खड़े हैं और वो काले वाला किधर है? ये नीचे छांव में बैठे काले को लग। मौसम भाई इनको क्या खिलाते हो? किसको? काले को, चिट्टे को? काले को। काले को घास और चिट्टे को भी? चिट्टे को भी घास। यार ये क्या बात हुई, ये ऐसे मुझे अब समझ आ गई है। एक क्लिप में मैंने देखा था उसमें भी ऐसे ही करते हैं। चले उसको सही जलील करते हैं, लेकिन हमने आपको नहीं खिलाते हो इनको? काले को, चिट्टे को? चिट्टे को। काले को भी नहलाते हैं, सफेद को भी नहलाते हैं। सही है। तो ये कुर्बानी के लिए रखे होंगे? कुर्बानी के लिए नहीं, स्पेशल शैम्पू। कान देखें बड़ी वो पिंक पिंक कान है और माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। ये मोहसिन भाई ने रखे थे, छोटे छोटे थे, मरते भी हैं, छोटे छोटे थे रखे थे, अब इतने बड़े हो गए हैं। और वो मेरे वाले, वो 50% मेरा है और 50% मोहसिन भाई का है। असल में ना इसका थोड़ा सा सिस्टम अपडेट हुआ है, ये सही शाम का। यार क्या बताई जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन माशाल्लाह ये मुझे बहुत अच्छा लगा, फुल वाइट है ये। और वो 50% इसलिए मैं कह रहा हूँ, नूर बता रही थी 50% पैसे महनूर ने दिए हैं उसके, आधा उसमें हमारा होगा। अगर हमने कुर्बानी करनी होगी तो आधे पैसे मोहसिन को दे के वो सारा हम ले लेंगे। नाम रखे हुए हैं इनके? नाम हमने नहीं रखे। कहते काले का, चिट्टे का। काले का नाम काला है, चिट्टे का नाम चिट्टा है, लेकिन शरीफ है ये। और ये है बड़ा साफ सुथरा सा, शैम्पू से नहलाते हो शायद इसीलिए। किचन में हमारा चावल बन रहे हैं, कौन से वाले? गुड़ वाले। और मुझे चूंकि मीठा जो है, मीठा छोड़ा है ना, अब कोई मीठा खाने को दिल ही नहीं कर रहा मेरा। तो यहाँ पर मोहसिन भाई ना कुछ तीखा भी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं मैक्रोनी, तो मैक्रोनी के लिए सारा सामान ले आए हैं। पर चिकन जो है वो नीचे पड़ा किचन में, और चिकन किचन मिक्स हो गया। किचन चिकन में पड़ा, ये चिकन किचन में पड़ा हुआ है, ये मिक्स हो गया। ये कट रही है शिमला मिर्च, बंद गोभी। जब आप किचन को चिकन कह सकते हैं तो मैं इसे शिमला मिर्च नहीं कह सकता। ये जो बंद गोभी ना, इसका ना कोई स्टार्ट होता है ना कोई एंड होता है। वो माँ जी बताती होती हैं, पहले पहले ना हमारे यहाँ उधर बंद गोभी आई ना, हमारे तो वैसे फूल गोभी हुआ करती थी। तो वो एक अम्मा थी, उसने इसके पत्ते उतारना शुरू कर दिए कि भाई ये पत्ते पात्र लाछड़े ने एवं जेड़ी बिचू निकल सी पका ली से एवं। जब वो सारे पत्ते खत्म हो गए ना, तो उनके एक गाली होती है बेबुनियाद, मतलब जिस बंदे की बुनियाद तो बेमन यादा। वो उसको कह रही हुई तो बेमन यादा जेड़ा ना गंदी दे गया वे सारे पात्र जो लै गए ना टुका से निकली क्या नहीं। अच्छा बेमन बेबुनियादे की पहले मुझे समझ नहीं आ लगती थी, फिर मैंने कहा आप लोग स्लो मोशन में ये गाली मुझे बताओ। उन्होंने कहा बेबुनियादा, जिसकी कोई बेस ना हो, समझाने वाला ना हो कुछ। सब्जी कट की है हमने और छिलके जा रहे हैं बकरों को। मुझे ये वाला पसंद है, जबकि महानूर कहती है 50% उसमें है हमारा, हम इनको बांट के खिलाते हैं। ये नीचे खा लेती हैं 50-50। ओए वे, मैं आप वाले ढेर पा बैठा। अब से हम तो गुड़ वाले चावल रखे गए थे, लेकिन वो गुड़ वाले चावल साइड पे भी हो गए बॉयल होने के बाद, और यहाँ पर मैक्रोनी रख दी गई है।
मेरा नहीं ख्याल कि हमें रेसिपी बताई जाएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। और मैक्रोनी के लिए ना यहाँ पर चिकन तैयार किया जा रहा है और सब्जी ऊपर हम तैयार करके आ गए हैं। एक गुड़ को भी गर्म कर रही है, वैसे ही पड़ा है। अच्छा वैसे ही पड़ा है। चलेंगे जी। पैप कटे हुए हैं ना, ये चाइनीज फूड है। हाँ चाइनीज, इटालियन है चाइनीज है? चलें चाइनीज है या इटालियन है ये मेरे व्यूवर्स बताएंगे कि मैक्रोनी कौन सी फूड है। असि तो दब भी जाना है जड़ी लभदी पई है, कोई पिज्जा शीजा जो ही होता है। मैक्रोनी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, उसको पहले बॉईल किया गया है, उसके बाद अब मेरे ख्याल में चिकन बॉईल हो रहा है। और यहाँ पर हमने जो मिक्स सब्जियाँ कट की थी उनको मजीद मिक्स कर लिया गया है और उसमें कुछ और मसाला डाले जा रहे हैं। क्या डालना है मौसम भाई, सबसे पहले मुझे दें। मैं करता हूँ, सिरका डालना है, वेनेगर, सोया सॉस, यहाँ पे आई थिंक चिली सॉस। तैयार हो जाएगा हमारा, पहले मैक्रोनी खाएंगे और उसके बाद थोड़ा मुंह मीठा करने के लिए गुड़ वाले चावल, देसी भी हो जाएगा और वलायती भी। अब ये इटालियन है या चाइनीज है अभी तक मोहसिन भाई ने सर्च नहीं मारा। आप यूँ करें सीरी से पूछ के। हम थोड़ा बाहर चले गए थे और मैक्रोनी तो भाई हमारी तैयार भी हो चुकी है। चिकन के बाद बॉयल की हुई मैक्रोनी डाली गई उसमें और उसके बाद मिक्स सब्जी और ये जो सिरके वगैरह हैं वो भी डाल लिए गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब तो ये तकरीबन तैयारी के करीब ही है, इसीलिए फुल रेसिपी हम शेयर नहीं कर सके। इसकी इंतहाई सादा रेसिपी है, शेयर करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, बस खाने की ज़रूरत है। फाइनल हम सब की कावशों से मैक्रोनी हो गई है तैयार। हम बाहर चले गए थे ना, दिखाई नहीं क्या कैसे डाल रहे हैं, कब हो रहा है, लेकिन अच्छा रहा। मैक्रोनी हमारी तैयार हो चुकी है और आ भी चुकी है, अभी टेस्ट थोड़े से करते हैं, उसके बाद फिर गुड़ और मैक्रोनी एक साथ हम खाएंगे। फिलहाल टेस्ट के लिए मौसम भाई लेके आए हैं। लग तो अच्छी रही है भाई, और खुशबुएं भी दे। मसाला मैंने कहा था कम होना चाहिए और होप कम ही होगा। केचप का तड़का, तड़का तो नहीं है, केचप का छड़का है ये तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे केचप से अच्छी लगती है। और ये क्या फाइनल हुआ, ये इटालियन फूड है। मेन चीज़ जिस पे हमारी नज़र थी वो है गुड़ वाले चावल, और गुड़ वाले चावल जो है वो पानी में बॉयल करने के लिए डाल दिए गए हैं। उसके बाद अगला मरला देख, गरी जो है उसकी कटाई भी करके रख दी गई। आज देसी और वलायती खाना एक साथ होगा। चावल हमारे बॉयल हो चुकी हैं और मुझे हिचकी भी लग चुकी है। दवाई जब से ले रहा हूँ ना तो साथ साथ हिचकी जो है वो मुझे लग जाती है, जो भी चीज़ थोड़ी सी खाता हूँ। बॉयल किए हुए चावल, पतीला फिर चढ़ा दिया गया है और इसमें ऑयल डाला गया है। अब जा रहा है इसमें देसी गुड़, चावल से डालने की लहज की हालत हो, हमारे हाथ ना जल जाए। कोई हिचकी का टोटका भी बता दें, क्योंकि जैसे मैं मेडिसिन लेता हूँ उसके बाद कुछ खाता हूँ तो फिर यार हाँ ऐसे ही हो रहा होता है। और गुड़ के साथ साथ जा रहे हैं भीनी भीनी खुशबू वाला सफ़ेद ज़ीरा। इसमें चावल डाल दिए गए हैं और हमारे गुड़ भी माशाल्लाह अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा बस हिलाना है और दम पे लगा देना है। ये वो वाली रेसिपीज़ है जो मैं भी बना सकता हूँ, मतलब कि इतनी मुश्किल नहीं है, इंतहाई इजी है। और ये तो भाई प्योर देसी है। मुझे हिचकी लगी हुई थी और हिचकी पे भी मोहसिन भाई ने कहा जी चलो आपको घुमा फिरा के लेके आते हैं, तो थोड़ा सा काम था बाहर इसलिए हम बाहर निकले हैं। और ये तो वो नहीं है आपका ब्रांड रोड, अब तो बिल्कुल जो है ना वो सुंझा सुंझा लग रहा है। वैसे शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे वगैरह माशाल्लाह मुल्तान के भी अच्छे हैं, रोड भी खुले। जब भी यहाँ से गुजरते हैं आई लव मुल्तान का शॉट लाजमी हमने ले लिया होता है। ये है गोल बाग या गोल पार्क, गोल बाग पार्क भी कहते हैं, गोल बाग चौक भी कहते हैं। चले गोल, ये गुलगस्त हम कह सकते हैं, बस गुलगस्त अभी आगे आगे लगवाओ भागो। हम बाहर निकले थे तो वो सफ़ेदा गिरा रहे थे, हम भी खड़े तमाशा देखने लग गए लेकिन गिर गया भाई, कोई बात नहीं, चार बंदों ने जोर लगाया गिर गया। लेकिन ये सही रहा है ना, बस हाथ वाली का थोड़ा सा सत्यानाश हो गया। हसन की कब्र पर फातिहा खानी करने के लिए और पतझड़ शुरू हो चुकी है, यहाँ से पता चल रहा है इतने ज़्यादा नीचे पत्ते गिरे पड़े हैं और गिरेंगे। काफ़ी बड़ा दरख्त है ना, है भी काफी पुराना। हसन की कब्र के साथ जो है ना वो मुझे मौसम में बता रहा था कि बहुत ही पुरानी ये कब्र है, फिर इन्होंने उसकी मेंटेनेंस वगैरह करवा दी थी। कह रहे थे अंग्रेज दौर की कब्र है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फातिहा खानी हमने कर रही है, अल्लाह ताला हसन शाह की
दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और ये है जी हमारी असली हकीकत, हमारी आखिरी आरामगाह, और सभी ने यहीं पर ही आना है। और कहते हैं कि इंसान को कब्रिस्तान आते रहना चाहिए, उसको जो है ना गुरूर वो थोड़ा सा नीचे ही रहता है, इंसान का गुरूर आकर मिट्टी की ढेरी। मौसम भाई गए थे साथ वाले घर से पानी लेने के लिए ताकि इन पौधों को पानी दे दिया जाए, खुश्क हो रहे हैं काफ़ी। उनको मैं देता हूँ किस चीज में लेके, काफी बजरी लगते हैं, पिंक कलर। और ये रहा हमारा देसी खाना, गुड़ वाले चावल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं। कैसे कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? पहले मोहसिन भाई बता रहा था, कहता है ये आज सुबह से मेरे साथ एक मसला पेश आ रहा है कि जब मैं घर में होता हूँ और कुछ खा लेता हूँ, चहलकदमी ना करूँ तो मुझे हिचकी शुरू हो जाती है। तो पानी काफ़ी ज़्यादा पी चुका हूँ आज के दिन में मैं, और यूँ कहते हैं कि सारी सर्दियों में जो मेरे पानी की कमी थी ना वो आज एक दिन में पूरी हो गई है। अभी जैसे ही मैंने खाना खाया हिचकी फिर शुरू हो गई थी, तो मैंने जो है वो कुछ चिंगम वगैरह चबाना शुरू कर दी और घर से हम बाहर निकल आए। हम आगे हमारे घर के सामने जो बन रही थी एक बिल्डिंग वहाँ पर, और चढ़ते चढ़ते मेरी हिचकी ख़त्म हो गई है क्योंकि ये तकरीबन इसकी चार मंजिलें हैं, सामने वाली की 6 बन रही हैं। इतने ऊँचे ऊँचे घर बढ़े हैं, कुछ समझ गया नहीं आमदी भी। और यहाँ से पूरा मुल्तान नज़र आते हैं। और मोहसिन भाई मुझे छत पे इसलिए लेके आए थे कि हम जो है ना डूबता हुआ सूरज देखेंगे, लेकिन सनसेट जो है ना वो अभी नहीं होने वाला, अभी तगड़ी हालत में खड़ा है। सबसे जो बड़ी बात थी मेरी हिचकी वो ख़त्म हो गई है, और एक्सरसाइज भी होगी भाई। नीचे से चढ़ के हम ऊपर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ, और यहाँ पे कोई लिफ्ट वगैरह का भी अभी तक सीन नहीं है क्योंकि बननी है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है, रखी हुई है जगह उन्होंने, और है भी काफ़ी बड़ी यार। अच्छा यहाँ पर अगर सुकून ढूंढना हो ना तो ऐसे किसी ऊंची बिल्डिंग की छत पे आ जाओ। सामने मंदिर नजर आ रहा है आपको? किधर? वो वाला, ये वाला मंदिर कह रहे थे वो जो कल दिखाना था मुझे। चले, मेरे इंडियन व्यूवर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह हम मंदिर का विजिट भी करवाएंगे जो कि इधर ही है आसपास कहीं। कभी अपने घरों को जा रहे हैं और सूरज हो रहा है गुरूब, और हमारे साथ साथ कुछ बच्चे भी आ गए हैं। अब ये नहीं पता पतंग लूट रहे हैं या उड़ा रहे हैं, ऐसे लूटने का भी अपना मज़ा था पतंगे। मोहसिन भाई हम जिसे कहते हैं हर काम में माहिर है, उनका गुड्डा तोड़ दिया उसने गुड्डा मीन पतंग। बस ठीक है आए मोहसिन, बाल अंदी पतंग तोड़ी खड़ोते। चले यार, मुल्तान का ढलता हुआ सूरज देखने के लिए हम यहाँ पर पूरे एक घंटा ठहरे हैं, और फाइनल सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है। और इसी के साथ आज के व्लॉग करते हैं जी एंड, और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।